हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्मार्ट नेटवर्क में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं सभी संविदा कर्मी और बेल्टॉन के कर्मी, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स के लिए यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, या इससे हम लोग खुशखबरी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी संविदा कर्मी हैं और जितने भी बेल्टॉन के कर्मी हैं, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखना, इसकी मत करना फ्रेंड्स, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है अपडेट, क्या है खुशखबरी। यह आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है? तो आप वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यह लेटर जो है यह बेल्टॉन द्वारा प्रकाशित किया गया है 8/6/2022 को। पत्रांक संख्या है 75/22। सेवा में है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विभाग अध्यक्ष, सभी विभाग बिहार पटना, सभी परमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी बिहार, ठीक है। विषय में क्या है? डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल्स के हस्तांतरण के संबंध में। महाशय क्या है? निवेदन द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से संविदा पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर एवं आईटी बॉय की सेवाएं के संदर्भ में उनके हस्तांतरण के संबंधित दिशा निर्देश की मांग निगम को प्राप्त हुई है। साधारणतः इन कर्मियों को बेल्टॉन द्वारा हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं की जाती है, ठीक है। इस संबंध में कहना है कि संबंधित विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति कर्मियों के अंतर जिला हस्तांतरण की कार्रवाई कार्यहित प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। इसी प्रकार जिला पदाधिकारी भी उनके माध्यम से अधियाचना पर प्राप्त कर्मियों का अपने जिले में परमंडल अंचल कार्यालयकार हस्तांतरण कार्यहित प्रशासनिक दृष्टिकोण से कर सकते हैं। विभाग अथवा जिला पदाधिकारी की ओर से हस्तांतरण संबंधी सूचना प्राप्त होने पर बेल्टॉन द्वारा ERP सॉफ्टवेयर में हस्तांतरण स्थान पर कर्मियों का मैपिंग कर आवश्यक संशोधन लिया जाएगा, ठीक है, ताकि वेतन आदि का भुगतान सुचारू रूप से जारी रहे। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ कि अगर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं, यहाँ पर बेल्टॉन साफ कह दिया है कि यहाँ बेल्ट द्वारा किसी भी कर्मी का हस्तांतरण नहीं किया जाता है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप हस्तांतरण करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके कार्यालय के ऊपर, आपके विभाग, जिस भी कार्यालय में आप कार्यरत हैं, आप उस विभाग को लेटर दे सकते हैं। वो विभाग के जो भी पदाधिकारी होती है, वो चाहे तो आपका हस्तांतरण कर सकता है, वो भी मैनुअल तरीके से फ्रेंड, ठीक है। मैनुअल मतलब कि आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट में हस्तांतरण करना है, वहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कर्मी है, बेल्टॉन कर्मी, जो हस्तांतरण करने के लिए तैयार है, वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आना चाहता है और आप उनके डिस्ट्रिक्ट में हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से लेटर विभाग को देना पड़ेगा, ताकि इस तरह से विभाग को भी कोई परेशानी ना हो, ठीक है। इस प्रकार के हस्तांतरण से कार्यालय जो भी विभाग होता है उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपकी जगह पर कोई दूसरा मानव बल आ जाता है और आप उसके जगह पे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से विभाग को परेशानी नहीं होती है, तो आप विभाग से बात कर सकते हैं, जिस भी विभाग में आप कार्यरत हैं, या उसको लेटर दे सकते हैं उस विभाग के पदाधिकारी को। फ्रेंड्स, अगर आप जिस भी विभाग या कार्यालय में कार्यरत हैं, उस विभाग के पदाधिकारी आपका हस्तांतरण करना चाहते हैं, तो हस्तांतरण आप कर सकते हैं, वरना आप हस्तांतरण नहीं कर सकते। जब तक विभाग का सहमति नहीं मिल जाता, आप हस्तांतरण कहीं भी नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे बेल्टॉन ने भी कह दिया है कि इस तरह से हस्तांतरण करने से आप बेल्टॉन को भी कोई परेशानी नहीं है। इस तरह से हस्तांतरण करते हैं तो बेल्टॉन भी ERP द्वारा मैपिंग को संशोधन कर लेगी, ताकि वेतन आदि का भुगतान सुचारू रूप से
बेल्टन अकेडमी को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे, आप लोग यानी कि जितने बेल्टन के कर्मी हैं, आप अपना हस्तांतरण यानी ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं दूसरे कार्यालय में। ठीक है, यहाँ पे बेल्टन ने लेटर जारी कर दिया, किस तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से इस लेटर में मेंशन किया गया है। आप इस लेटर को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएँ, वहाँ पर मैं डाल दूँगा। फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको लाइक करके बताना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।